मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और कृष्णमय हो गई। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से वह कृष्ण दीवानी हो गई और कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन जब मीराबाई के पड़ोस में एक बारात आई और सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं, तभी मीराबाई वहां पहुंची और बारात को देखकर अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माँ ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस फिर क्या था, यह बात मीरा के बाल मन में गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दी गई। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननंद उदाबाई ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। इसकी सत्यता के लिए जब राणा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर पहुंचे तब दरवाजे बंद थे। राणा ने जब मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो मीराबाई अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी बातें कर रही थीं और भजन गा रही थीं। जब राणा ने मीराबाई से कहा कि तुम जिससे अभी बातें कर रही थी उसे मेरे सामने लाओ, तब मीराबाई ने बड़े ही सहजता से कृष्ण मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, वह तो सामने बैठा है मेरा स्वामी। यह कहकर मीराबाई समाधि में चली गई। इस घटना ने राणा को अंदर से हिला दिया और अपने अंतिम समय तक राणा कभी भी मीराबाई की भक्ति के बीच नहीं आए और उन्होंने मीराबाई का साथ दिया। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई वैराग्य की ओर जाने लगी और साधु संतों की संगति में रहकर भजन कीर्तन करने लगी, किंतु राणा परिवार अपनी बहू को साधु संतों की संगति में देखकर चिंतित होने लगा और मीराबाई से रुष्ट हो गया। राणा परिवार ने उन्हें रोकने के विभिन्न प्रयास किए पर वह कभी भी सफल नहीं हुए। अंत में मीराबाई खुद भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा वृंदावन चली गई और उन्होंने अपना जीवन भक्ति में बिताया। मीरा की भक्ति भावना इतनी प्रबल और अडिग थी कि वे प्रभु प्रेम में दीवानी हो गई और संसार से विरक्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। ऐसी परिस्थिति में मीराबाई गा उठी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर पंखा मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहते हैं कि एक बार वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया जीव गोसाई के दर्शन के लिए जब मीराबाई गई तो उन्होंने मीराबाई से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीराबाई को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में जो अपना संदेश भेजा वह पढ़कर जीव गोसाई जी न सिर्फ खुद मीराबाई से मिलने गए बल्कि उन्हें पूरा सम्मान भी दिया। मीराबाई ने अपने संदेश में लिखा, वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे।
नहीं मैं पी हर सास रे, नहीं पिया जी री साथ, मीरा ने गोविंद मिल्या जी, गुरु मिल्या रैदास।